गया भाई, गिर गया। संभाल के मत चढ़, उतर जा, नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, जा उतर, खेल जा, पढ़ाई करने चला जा। दिशु बस बहुत हो गया, दिशु बस छोड़ दे, छोड़ दे तेरी तो हट फुट फुट। सो हेलो दुनिया, गुड मॉर्निंग, मैं उगर गदर, आप सभी ब्यूटीफुल पीपल का वेलकम करता हूँ मेरे आज के ब्लॉग में। सो अपने आज मॉर्निंग हुई है दिशु की पढ़ाई लेकर। दिशु अपनी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं। दिशु पढ़ते पढ़ते आलस मत खा, नींद आ जाएगी। सीधा बैठ जा, पहले सीधा बैठ जा, सीधा बैठ जा। हो गया रिवीजन, हो गया सही में, ठीक है। मैं अपने लिए भी चाय बना लेते, और मेरी चाय हो चुकी है, चाय को इसमें निकालते और फिर पी लेते। सो गाइज, अब हम थोड़ा वर्कआउट भी कर लिया, अब जाते हैं सीधा कॉलेज। नाश्ता बस वर्कआउट सब कुछ हो गया अपना, तो सीधा अब कॉलेज के लिए निकलते हैं। सो अपना कॉलेज छूट चुका है, और ये रहा अपना मस्त तलवार पीछे, ब्राउन शीट जिसमें मैंने सब ड्राफ्टिंग की, वो सब नहीं समझ आएगा, छोड़ो, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। आज एनर्जी डाउन है भाई, घर पे जाके मेरे को चार्ज होना पड़ेगा, बिल्कुल एनर्जी नहीं है बोलने की, इतना थक चुका हूँ इस चीज़ के पीछे। सो भाई लोग अपने चल गए घर, काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद, चलते चलते, कूदते कूदते, चढ़ते चढ़ते, लटकते लटकते, पुटकते पुटकते, अरे कहना क्या चाहते हो, और के घर। अब घर पहुंचते सीधा बस से जाके सो जाते हैं शांति से। दरवाजा खोलो। हाय राम, इतनी गर्मी में मर जाएंगे भगवान। भाई कल बारिश हुई थोड़ी बहुत रात को हुई थी, और अब इतनी गर्मी हो रही है भाई, क्या ही बोलूं। और इन भाई साहब के नशे कुछ अलग ही चल रहे। ये भाई साहब पूरा का पूरा वैफी का बॉक्स लेके चालू पड़े हुए। भाई बंद कर बस, बहुत हो गया। कितनी खाई तूने? 4। और कितनी खाई? 4+। सोच ले जल्दी, कितनी खाई टोटल तूने? जल्दी बता टोटल कितने खाई है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 5, 6 कितना? 4 ना, 4+5, 9। एक भी खाई होगी सुबह? एक सुबह खाई ना? हाँ, टिफिन में लेके आया था। 3, 10, 11, 12 खाई टोटल 1। और 2 किसको दिए? वाव, इस बंदे ने तो, अबे गिर गया भाई, गिर गया। संभाल के मत चढ़, उतर जा, नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, जा उतर, खेल जा, पढ़ाई करने चला जा। दिशु बस बहुत हो गया, दिशु बस छोड़ दे, छोड़ दे तेरी तो हट फुट फुट। तो भाई इसको बचाता हूँ, और अब इसको फ्रीज में रख देते और लॉक कर देते पूरी फ्रीज। तो भाई अपने तैयार हो गए थे नीचे जाने के लिए, बट मेरी आंखें बार बार बंद हो जा रही, क्योंकि मेरे को नींद आती रहती है बीच बीच में, सो जाता हूँ। और मेरे साथ एक सीन हुआ, मैंने फोन अपना चार्जिंग पे लगाया, और मस्त केबल वेबल मैंने ज्वाइंट कर दिया जैसे नॉर्मल इंसान करता है, बट मैं एक एबनॉर्मल इंसान जैसे हरकत कर दी, मैंने स्विच चालू करना ही भूल गया। यस, अरे मम्मी इतना आवाज़ इसलिए कर रही क्योंकि मम्मी मौसी से बात कर रही हूँ। मम्मी मौसी की बातें बहुत लंबी चलती है, सबको पता है, घर घर की कहानी है। तो दर्शन आए थे बाजरे का आटा लेने, और विद दर्शन की बाइक के साथ अब जाते हैं सीधा सोसाइटी में वापस। और इस बार तो मैं चलाऊंगा, ना कि इसको दूंगा। भाई ऐसा लगता है छोटे बच्चे के पीछे बैठ के चला रहा हूँ, मुझे मालूम है ये 9th में, बट तो भी मुझे लगता है ये छोटा बच्चा ही है, दूसरों को तो लगता ही है। कुछ लेने गया बट कब से कंफ्यूज है बेचारा, 5 मिनट से वो वही सोच रहा है मैं क्या तो क्या लूँ, पीने लायक लूँगा तो सर्दी हो जाएगी, खाने लायक लूँगा तो पेट भर जाएगा। मैंने कहा भाई हद होती है कुछ, तेरे को जो लेना हो ले ले भाई, तेरे पैसे मुझे मत बता, इट्स योर मनी, इट्स योर चॉइस। से क्या लिया है? बस एक नाचोस और ये, वाह इतनी चीज के लिए आधा घंटा कौन लगाता है? अंकल ने बहुत टाइम लगा दिया। अंकल को पकड़ के मारने का था ना तेरे को? ये मारना बिरना मत, मेरा नाम लेगा फिर। पे अंकल लोग सोसाइटी के लाइट चेंज कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रगति हो रही है भाई। बोल रहे पहले डिस्को लाइट थी, हाँ पहले ऐसे ब्रेक डांस लगा, डुचुंग। कैमरे तो कब के लगे हुए हैं भाई सोसाइटी में? अभी सोसाइटी बहुत एडवांस है, कब का लगा हुआ है कैमरा तेरे को आज मालूम पड़ा? एक इधर लगा, एक नया उधर लगा, दो कब से लगे हुए है, आज देखे क्या तूने?
सो मैं घर पे आके खाना पीना खा के अब जा रहा हूँ मैं फ्रूट लेने। पापा ने बोला कि भाई फ्रूट खत्म हो चुके हैं घर पे, सो जाके फ्रूट लेके आओ और फिर फ्रूट खाते हैं। सो फ्रूट लेके आते हैं और दिस इज आवर की स्प्रिंग स्विंग वाली, मस्त है ना, मजा आता है। कभी कभी टाइम लिफ्ट में इसको ऐसे खेलते रहने का। इससे पानी भराने आया था और बारिश इतनी फास्ट हो गई कि यहीं पे रुकना पड़ रहा है भाई, आंखों पे बंदे गिर रही है। यहाँ पे मैंने गाड़ी का जग रख, पानी का जग वहीं पे रख दिया गाड़ी पे, और यहाँ पे शेल इसके नीचे रुक गया टेंट के नीचे। भाई क्या ही सीन है यार, फ्रूट तो ले लिए थे, अच्छा हुआ जल्दी मैंने फ्रूट ले लिया, बट बारिश में अटकना पड़ गया है भाई। आपको दिख रही बारिश, देखो लाइट में ही दिख रही है भाई, ऐसे देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लाइट्स में देख रही तभी बारिश दिख रही है। वाह जादू भाई 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 भाई, कितनी देर तक रुकना पड़ेगा? थोड़ी देर रुकते और फिर घर पे जाते, जब तक ये बारिश बंद है तो मैं ऐसे हिलूंगा नहीं भाई। पैसे, वॉलेट, हाथ में फ़ोन, ईयरपॉड्स, स्मार्ट वॉच सब भी गीला गीला हो जाएगा इतनी बारिश में निकला तो मैं। फिर थोड़ी देर यहीं पे रुकते हैं, बारिश अब स्लो हो गई है तो निकलते हैं भाई। और कितनी देर तक यहाँ पे रुकेंगे, 15-20 मिनट से तो रुका हुआ ही हूँ मैं। हमने पहुँच चुके घर पे एकदम सेफली और अपने आते आते ये लिया था जाम फॉल। और भाई बारिश में गाड़ी चलाने की बहुत दिक्कत होती है कि गाड़ी स्लिप भी होने का डर रहता है, सो हमने एकदम शांति से गाड़ी चला लिया है भाई। कितने देर से मैं काम पे बैठा हूँ और मेरा क्या काम चल रहा है वो आपको दिख। सो गाइज ये सब कॉलर्स, ये सब नेक लाइंस, सो मेरा ये सब चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, कब से एक दो घंटे से बैठा हूँ, फ्रूट लेके आने के बाद इस पर बैठ गया था और तब से इसका काम चल ही रहा है जो अब तक नॉन स्टॉप ऑन गोइंग है। हाँ और अब ब्लॉग को भी एंड करते हैं और मैं थोड़ा काम करता हूँ और फिर सो जाएंगे। सो होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर भी कर देना अपने भाई बंधुओं के साथ। और हम मिलते हैं आपको कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.